देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं जब भी फैसला करता हूँ कोई फिल्म मुझे देखनी है कि नहीं देखनी, तो उसके टाइटल से मुझे क्या पता चलता है उस फिल्म के बारे में, उस पर मैं डिसाइड करता हूँ। और अगर उस टाइटल से मुझे कुछ भी पता ना चले ये फिल्म क्या होने वाली है, तो मेरी दिलचस्पी और बढ़ती है, मेरी उत्सुकता और बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से ये टाइटल ऐसा है कि ऑडियंस की क्यूरियोसिटी को जगाएगा कि ये है क्या, चार्ली कौन है। एक्चुअली चार्ली कोई इंसान नहीं है, वो दूसरा ही एक रिलेशन है उसका। तो मेरे ख्याल से ये कामयाब टाइटल कहा जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को दिखाया गया, जो कि काफ़ी एक अनयूजुअल चीज़ है हिंदी फिल्मों में। कभी भी नहीं दिखाते हिंदी फिल्मों में कि प्यार कैसे होता है, बस एक दिन हो जाता है हमेशा। और इसी तरह थ्रिलर्स भी जो बनाए जाते हैं उसमें जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसके बारे में कभी ध्यान नहीं दी जाती, वो बस सॉल्व हो जाता है यूं ही। इसमें ख़ास बात यह है इस फिल्म में कि इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को काफ़ी जो फिल्म का जो असली हिस्सा है वो उसके बारे में। रियलिस्टिक, देखिए रियलिस्टिक जो ये बड़ा ख़तरनाक टर्म है रियलिस्टिक, क्योंकि वेडनेसडे फिल्म को भी लोग रियलिस्टिक ही कहते हैं, हालांकि वो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं थी। जो सिचुएशन पेश किया गया था वेडनेसडे में वो एक बहुत ही फैंटास्टिकल सिचुएशन था जो कभी हो नहीं सकता। तो इसी तरह से ये भी एक इमेजिनरी सिनारियो है जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ट्रीटमेंट इसका ज़रूर एक एजी किस्म का थ्रिलर वाला ट्रीटमेंट है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी ऑनेस्ट। इट्स अ फिल्म दैट वाज मेड विद अ लॉट मोर लव एंड लॉट लेस मनी। द फैक्ट दैट इट्स रिलीजिंग इन 700 स्क्रीन अक्रॉस इंडिया इज अ ह्यूज थिंग फॉर दिस फिल्म। इट्स अ फिल्म विच हैज नसीरुद्दीन शाह हिमसेल्फ एंड इट हैज अ लॉट ऑफ वेरी टैलेंटेड एक्टर्स which you will hope and I hope that you love them all. So very excited. A little bit about my character in this film is the character of this guy called Deepak, who is a struggling actor, comes to Bombay to make his dreams possible. His desperations are the ones that get him involved in Charlie ke chakkar mein. Naseer sir and I have done 3 films now with this film. I am his student as well. We do a lot of plays together. I've acted in his plays. My life could be defined by 2 events in my life: the acting that I did before meeting Nasruddin Shah and that life that I have been acting since, and it's been such a learning experience. Every time I meet him, every time I interact with him, I just keep learning. So he's a wonderful human being and a great acting coach. मेरा नाम दिशा अरोरा है। मैं हेरा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। हेरा का मतलब होता है गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड, गॉडेस ऑफ वॉर। तो वो दिल्ली से आई हुई लड़की है, बॉम्बे आती है कुछ बनने के लिए, मॉडलिंग करने के लिए, फैशन करने के लिए, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस शी गेट्स ट्रैप्ड एंड शी गेट्स इन्वॉल्व विद सम गैंगस्टर्स एंड यंगस्टर्स एंड सम पीपल, सम पॉलिटिकली डोमिनेंट पीपल। उस चक्कर में वो जो और कैरेक्टर्स हैं फिल्म में उन सब की लाइफ में आती है और उनको बहुत सारे चक्करों में घुमाती है, खुद घूमती है और उसी के बारे में चार्ली के चक्कर में। आई थिंक द फैक्ट दैट इट वॉज, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब आई हैडंट, व्हेन आई वाज पिक्चरिंग एवरीथिंग दैट आई वाज रीडिंग, आई डोंट नो इफ आई हैव सीन समथिंग लाइक दिस इन बॉलीवुड और नॉट। तो मुझे भी समझ नहीं आई थी शुरू में, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है फिल्म में, बहुत सारे थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस है कि मैं खुद ही मुझे खुद समझने में बहुत टाइम लगा था। लेकिन जो मेरा कैरेक्टर है, आई थिंक फॉर एनी एक्ट्रेस टू गेट दैट कैरेक्टर इज़ अ ह्यूज चैलेंज एंड आई वॉज जस्ट फॉर्चुनेट इनफ टू गेट सच अ कैरेक्टर, क्योंकि वो कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना बोल्ड है, उसी सेम टाइम में इतना वीक है और क्या क्या किस वजह से करती है वो कुछ समझ नहीं आता है। तो हाँ,